खादें इस्तेमाल करके बहुत अच्छी फसल पा रहे हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आपके पौधे को तत्वों की जरूरत नहीं है। ये एक तरीके से मिट्टी की गुणवत्ता और कह सकते हैं ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर अच्छा है, लेकिन यह आशीर्वाद पूरे देश के किसानों को उपलब्ध नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोगों को ये जानना चाहिए, प्रकृति में कुल 118 खोजे हुए तत्वों में से सिर्फ 17 या 18 तत्वों को ही जरूरी क्यों माना जाता है। इसके चार कारण होते हैं। पहला, बिना इन तत्वों के पौधा अपना बीज से बीज तक का सफर नहीं तय कर सकता, यानी अगर इन तत्वों में से कोई भी एक तत्व पौधे को नहीं मिला तो उस पौधे का बीज नहीं बनेगा। वह पौधा बड़ा हो सकता है, फूल आ सकते हैं, फल भी लग सकते हैं, लेकिन बीज नहीं बनेगा। दूसरा कारण, इन तत्वों का सारा काम किसी दूसरे तत्व द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ काम कुछ दूसरे तत्व कर सकते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम का वैनेडियम कुछ काम कर देता है, क्लोरीन का कुछ काम ब्रोमीन कर सकता है, पोटेशियम का सोडियम या रुबिडियम कुछ काम कर सकता है, और इसी तरह कैल्शियम का स्ट्रोंशियम, लेकिन सारे काम इन तत्वों के ये अन्य तत्व नहीं कर सकते। इसलिए जो तत्व सारे काम कर लेगा उसी को जरूरी माना जाता है। तीसरा कारण है, ये सभी तत्व सीधे तौर पर पौधे की जैविक क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, सांस लेना या कोशिकाओं का बनना, इस तरह की क्रियाओं में ये सभी सीधे तौर पर भाग लेते हैं। और चौथा, ये सभी तत्व सभी पौधों के लिए मान्य होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पौधों का काम बिना किसी तत्व के चल जा रहा है। किसी भी पौधे का जीवन चक्र इन तत्वों के बिना पूरा नहीं हो सकता, और इन चार अग्नि परीक्षाओं को पार कर ही कोई तत्व पौधे की महत्वपूर्ण तत्वों की श्रेणी में आता है। दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में आप खेती की सबसे जरूरी बात सुनने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही सतर्क होकर और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। किसानों की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है पोषक तत्वों की कमी को पहचान ना पाना। जबकि सिर्फ पत्तियों को देखकर ही पहचाना जा सकता है कि कौन से तत्व की कमी है। जैसे पुराने पत्तों में से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी NPK, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम की कमी को पहचान सकते हैं। अगर पुरानी पत्तियां हरी हैं लेकिन उसकी नसें पीली हैं तो वह नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन अगर पुरानी पत्तियां पीली हैं और नसें हरी हैं तो वह मैग्नीशियम की कमी है। अगर पुरानी पत्तियां बैंगनी, कत्थई या लाल प्रकार की हो रही हैं तो वह फास्फोरस की कमी है। इसी प्रकार अगर पुरानी पत्तियों के किनारे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जला दिया है तो इसका मतलब पोटाश की कमी है, और अगर पुरानी पत्तियों में जगह जगह सूखे हुए धब्बे पड़े हुए हैं यानी वह मॉलिब्डेनम की कमी है। अब नई पत्तियों से आप लोहा, मैंगनीज, कॉपर और सल्फर की कमी को पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर मुख्य नस नई पत्ती में हरी है और बाकी नसें और पूरी पत्ती पीली हो रही है, इसका मतलब आयरन की यानी लोहे की कमी है। और नई पत्ती में मुख्य नस के साथ सारी नसें हरी हैं और पत्ता सिर्फ पीला है, इसका मतलब मैंगनीज की कमी है। इसी तरह अगर नई पत्तियों की नसें पीली हैं तो वह सल्फर या फिर कॉपर की कमी हो सकता है, लेकिन कॉपर में पत्तों में टेढ़ापन आ जाता है और सल्फर की कमी में नाइट्रोजन की भी कमी हो जाती है, इसलिए पूरे पौधे में पीलापन आ जाता है। सल्फर की कमी में आपको ये टेढ़ापन देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार बिल्कुल ही नए कोपल और पत्तों को देखकर कैल्शियम और बोरॉन की कमी का पता लगाया जा सकता है। दोनों में नए पत्तों में टेढ़ापन आपको दिखाई देगा, लेकिन कैल्शियम की कमी से पत्ते पूरे पीले हो जाएंगे और मरने लगेंगे, लेकिन बोरॉन की कमी से सिर्फ पत्ते हल्के पीले होंगे, मरेंगे नहीं। और जिंक एकमात्र ऐसा तत्व है जिसकी कमी पुराने और नए पत्ते दोनों में देखी जा सकती है। इसमें पत्तों में लंबी लंबी धारियां बन जाती हैं और जगह जगह सूखे हुए धब्बे पड़ जाते हैं, इसका मतलब यह जिंक की कमी है। अब दोस्तों, मुख्य पोषक तत्वों के बारे में मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है, और मेरा वादा था कि अगर आपने इसको बहुत पसंद किया तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर वीडियो मैं अवश्य लाऊंगा, और इसीलिए आज मैं आपको विस्तार से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा, और आपके इस प्यार और सम्मान के लिए हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्वों को समझाते समय आपको एंजाइम, हार्मोन, जैविक प्रक्रिया, इस तरह के शब्द प्रायः सुनने को मिलेंगे। अब हार्मोन के बारे में तो मेरी वीडियो उपलब्ध है, लेकिन एंजाइम को अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि ये एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार के कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पौधे की हर रासायनिक क्रिया के लिए किसी न किसी एंजाइम की जरूरत होती है, इसलिए ये पौधे
में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में भी बिना एंजाइम्स के कई सारी रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो शुरुआत करते हैं जिंक से। ये जड़ों के शुरुआती विकास में बहुत जरूरी होता है। तने और पत्तियों में कई प्रोटीन के लिए काफी जरूरी होता है। यहाँ तक कि ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन को जिंक काफी हद तक नियंत्रित करता है, यानी इसकी कमी होने से पूरे पौधे की बढ़वार रुक जाएगी। फलों में ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए जरूरी होता है और बीज को पकाने में और भरपूर पैदावार आपको किसी भी फसल से लेने के लिए जिंक बहुत ही जरूरी होता है। जिंक के बिना भरपूर पैदावार नहीं ली जा सकती। लेकिन मिट्टी में इसका अवशेष इस्तेमाल के 5 साल बाद तक भी आराम से देखा जा सकता है। इसलिए अगर जिंक आप मिट्टी में प्रयोग कर रहे हैं तो साल में एक बार ही प्रयोग करें। अगली फसल में आप इसको स्प्रे के माध्यम से दें या फिर आप अपने मिट्टी की जांच करा के ही दें। अगला है लोहा यानी आयरन। ये जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करने यानी उसको उपलब्ध करवाने में पौधे को मदद करता है। तनों और पत्तियों में ये क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये काफी मदद करता है। इसको मिट्टी में प्रयोग करने की सलाह बहुत नहीं दी जाती क्योंकि यह पौधे को मिट्टी में बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए ज्यादातर इसको स्प्रे के माध्यम से दिया जाता है। और अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो आप चिलेटेड फॉर्म का इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मिट्टी में लोहा पर्याप्त मात्रा में होने के कारण इसकी मात्रा मिट्टी में बहुत ज्यादा नहीं बदलती। अब जानते हैं कॉपर यानी तांबे को। ये जड़ों में एक फफूंदी नाशक की तरह काम करता है और नाइट्रोजन को उपलब्ध करवाता है। तने और पत्तियों में यह पौधे की कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है, जैविक प्रक्रियाओं को तेज करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल को बनाने में काफी ज्यादा सहायक होता है। ये फूलों को भी झड़ने से बचाता है और फलों के स्वाद और गुणवत्ता में इसका मुख्य योगदान होता है। इसके अवशेष मिट्टी में इस्तेमाल करने पर 8 साल तक देखे जा सकते हैं, इसलिए आपको साल में सिर्फ एक बार इसको मिट्टी में उपयोग करना चाहिए, अन्य बार इसको स्प्रे के माध्यम से दें ताकि इसकी अधिकता ना हो। अगला है दोस्तों बोरॉन। जड़ों में इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता लेकिन तने और पत्तियों में यह एमिनो एसिड और अन्य एंजाइम्स को बनाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन को भी नियंत्रित करने में बोरॉन काफी मदद करता है, लेकिन इसका मुख्य काम फूल फल और बीजों के लिए होता है। फूलों में पराग नलियां यानी पोलन ट्यूब को बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फलों में मीठापन यानी शुगर की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बीजों का बनना और पकना दोनों बोरॉन के पर्याप्त मात्रा के नहीं हो सकते, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही ध्यान से करना चाहिए ताकि अधिकता ना हो। इसका प्रयोग करते समय दोस्तों एक बात और ध्यान दें, बोरॉन की मात्रा आपको पौधे में फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही दे देनी चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज के बाद अगर आप बोरॉन देते हैं तो वो पौधे पे कोई विशेष काम नहीं करेगा। अब जानते हैं मैंगनीज को। बीजों के जमाव में और जड़ों के बढ़वार में ये काफी मददगार है और कई जैविक गतिविधियों में ये सहायक होता है। तने और पत्तियों में ये क्लोरोप्लास्ट और एमिनो एसिड्स को बनाने में सहायक होता है और बिना मैंगनीज की मदद से पौधे ऑक्सीजन हवा में नहीं छोड़ सकते। इसको मिट्टी में प्रयोग करने पर इसका कोई अवशेष नहीं पाया जाता, इसलिए आपको इसको हर साल इस्तेमाल करना चाहिए। अब जानते हैं क्लोरीन को। क्योंकि एमओपी में क्लोरीन की मात्रा काफी होती है और कैल्शियम क्लोराइड भी होता है या अन्य खादें भी होती हैं जिनमें इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, इसलिए सामान्यतः इसको अलग से नहीं देना पड़ता। लेकिन क्लोरीन के बिना पौधा अपने अंदर के पानी को नियंत्रित नहीं कर सकता यानी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। यह पौधे के इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी विद्युतीय चार्ज को भी बैलेंस करता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको तटीय क्षेत्रों पर ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि समुद्री हवा में क्लोरीन की मात्रा उपलब्ध होती है जिससे तटीय क्षेत्रों पे क्लोरीन की मात्रा पर्याप्त होती है और इसकी अधिकता से भी काफी ज्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। अब निकल और मॉलिब्डेनम, दोनों ही अत्यधिक कम मात्रा में चाहिए होते हैं। निकल बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है लेकिन बिना इसके यूरीज एंजाइम नहीं बन सकता और बिना उसके यूरिया का विभाजन बिल्कुल नहीं हो सकता। यह पौधे की रोग प्रतिरोधक
क्षमता को भी बढ़ाता है और बीजों का जमाव होगा कि नहीं होगा यह निकल की उपलब्धता पर काफी हद तक निर्भर करता है। लेकिन मिट्टी में इसकी मात्रा पाई जाने के कारण शायद ही इसे कोई अलग से इस्तेमाल करता है। और अंतिम है दोस्तों मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जड़ों में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और उसको ग्रहण करने में भी इसको मदद करता है। फूलों में पॉलन यानी पराग को बनने में भी काफी मदद करता है। इसको देने का सबसे अच्छा तरीका होता है बीज शोधन। अगर आपने बीज शोधन के समय मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल कर लिया तो ये पूरे फसल में बराबर तौर पे मिल जाता है। दोस्तों मैं सब्सक्राइब करने के लिए बीच में नहीं कहता हूँ ताकि हम विषय से भटके नहीं और आपका बहुमूल्य समय व्यर्थ ना जाए, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और स्वागत है आपका इस परिवार में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में बेहिचक पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।